एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी। रिपोर्ट में रवां माली साल पाकिस्तान की शराय नमू 1.9% रहने की पेशगोई। रिपोर्ट में कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम मुआशी बहाली और इस्लाहात के लिए अहम चैलेंज है। इकराम होती इस रिपोर्ट से मुतालिक हमें मजीद बताएंगे। इकराम बताइए जी। तकरीबन 2% की शराय नमू रहेगी मौजूदा रवां माली साल, लेकिन आइंदा साल जो है ये शराय नमू जो है पाकिस्तान की इक्तसादी ये 2.8% तक पहुंच सकती है। महंगाई जो है वो 25% से ज्यादा अभी रहेगी, लेकिन आइंदा माली साल ये 15% तक नीचे आने की उम्मीद है। आलमी अदारों और दोस्त ममालिक से जो है इमदाद लेना और उन पर इंतजार जो है वो लाजिम होगा। ज़रात और सनत में बेहतरी के आसार तो नुमाया है, लेकिन तामीराती शोबे में लागत में इजाफा होने होगा जिससे मुश्किल पैदा होंगे। टैक्सों में इजाफे से भी सूरत हाल पाकिस्तान की खराब हो सकती है। आइंदा माली साल गजाई अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम पैदा हो सकता है, लिहाजा ये एक मिली जुली जो सूरत हाल है ये पाकिस्तान की मईशत में रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक कहता है कि पाकिस्तान को दोस्तों और अदारों से मदद लेना पड़ेगी। आपका शुक्रिया इकराम होती है।